तो गाइस आज की वीडियो का हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वर द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन इन रशिया बिफोर 1905 1905, इससे पहले सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी रशिया में 1905 से पहले। लेट्स सी। सो पहले आप बात करते हैं सोशल कंडीशंस की। द मेजोरिटी रिलीजन वॉज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी विच हैड ग्रोन आउट ऑफ द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च। तो जो मेजोरिटी रिलीजन था वो क्या था? क्रिश्चियन था, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन। एंड जो बेसिकली कहाँ से आया था, वो कहाँ से हुआ था? ये ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से हुआ था। बट द एम्पायर ऑल्सो इंक्लूड कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। और रशिया में ये चार रिलीजन्स भी थे, ठीक है। द नॉन रशियन नेशनलिस्ट वर नॉट इक्वली ट्रीटेड टू दैट ऑफ द रशियन नेशनलिस्ट। यानी कि जो रशियन के लोग थे और जो नॉन रशियन थे उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था। दे वर नॉट गिवेन द फ्रीडम दे वर नॉट गिवेन द फ्रीडम टू फॉलो देयर कल्चर एंड लैंग्वेजेस, ठीक है। उन्हें कोई भी स्वतंत्रता नहीं थी उनकी कल संस्कृति या फिर उनके जो लैंग्वेज है उनको फॉलो करने के लिए। एंड वर्कर्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स एंड ट्रेनिंग। वर्कर्स को डिवाइड किया गया था उनके स्किल एंड ट्रेनिंग के बेसिस पे। एंड अ पेशेंट फॉर्म्ड देयर ग्रुप्स एंड कॉल्ड कम्यून एंड मीर। और जो किसान थे वहाँ के, उन्होंने ग्रुप बना रखे थे जिसे कम्यून एंड मीर भी कहा जाता था। फिर आता है हमारा इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन क्या है हमारे इसकी? द मेजोरिटी ऑफ द रशियंस वर एग्रीकल्चरिस्ट। यानी कि जहाँ जो मेजोरिटी थी रशियंस की, वो ज़्यादातर क्या करते थे? खेती बाड़ी करते थे। एंड द ग्रेन वॉज द मेन आइटम ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम द रशिया। उस समय सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट किया जाता रशिया से वो अनाज किया जाता था। इंडस्ट्री वर फ्यू एंड इंडस्ट्री का बहुत कम थी। एंड प्रोमिनेंट इंडस्ट्री एरिया वर सेंट पीटरबर्ग एंड मॉस्को। और जो इंडस्ट्री वाले एरिया कौन कौन से थे? सेंट पीटरबर्ग एंड मॉस्को में ज़्यादा इंडस्ट्री एरियाज थे, एंड जहाँ काफ़ी इंडस्ट्रीज थी। लेकिन उसके अलावा और कहीं रशिया में नहीं थी, ज़्यादातर खेती बाड़ी की जाती थी। मच ऑफ द प्रोडक्शन वॉज डन बाय द क्राफ्टमैन। और जो ज़्यादातर जो प्रोडक्शन होती थी वो क्राफ्टमैन द्वारा की जाती थी। एंड देर वर लार्ज फैक्ट्रीज अलोंग साइड अ क्राफ्टमैन क्राफ्ट वर्कशॉप। और विद द एक्सपेंशन ऑफ द सॉरी विद द एक्सपेंशन ऑफ द रशियन रेल नेटवर्क कहाँ थे हम? फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन फैक्ट्रीज ग्रो। और धीरे धीरे क्या हुआ, जो रशियन का रेल नेटवर्क था वो एक्सपेंड हुआ, और साथ में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी वो भी धीरे धीरे बढ़ती गई रशिया की फैक्ट्रीज में, ठीक है। एंड देर वर ह्यूज कोल एंड आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन। और वहाँ क्या क्या ज़्यादा होने लग गया? प्रोडक्शन कोल का, आयरन का, स्टील का। एंड देर वर इक्वल नंबर ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स एंड क्राफ्टमैन। तो वहाँ क्राफ्टमैन एंड जो फैक्ट्री वर्कर्स के नंबर ऑफ इक्वल्स थे, मतलब दोनों नंबर बराबर थे एंड फैक्ट्रीज में। एंड वर्कर्स आर एक्सप्लॉइटेड बाय द कैपिटलिस्ट एंड हु मेड देयर लाइफ मिजरेबल। और जो वर्कर्स थे गाइज, उनकी जो लाइफ थी बदतर बना रखी थी कैपिटलिस्ट ने। एंड तो यहाँ हमारे दो टर्म्स आए हैं। कैपिटलिस्ट क्या होता है हमारा? कैपिटलिस्ट होते हैं जो बेसिकली मालिक होते हैं बेसिकली, या जो फैक्ट्री में जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है वो होते हैं। तो उन्होंने जो वर्कर्स होते हैं, ये वर्कर्स कौन से वर्कर्स है? ये लेबर है जिनमें कोई स्किल नहीं होती है, बस ये ऐसी मजदूर के बेसिस पे नहीं रखा गया होता है, ठीक है। सो इनको बहुत, उनकी जो लाइफ थी वो बहुत बदतर बना रखी थी। वो यूजली होती है हर कंट्री में, होती है, इवन इंडिया में भी है ऐसी। एंड पॉलिटिकल कंडीशंस की बात करें तो रशिया वॉज अ मोनार्की एंड तिसार निकोलस सेकेंड रूल्ड रशिया एंड इट्स एम्पायर दैट एक्सटेंडेड टू करंट डे फिनलैंड, लथविया, लिथानिया एंड इस्तोनिया एंड पार्ट ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस। तो जो रशिया था और रशिया का जो साम्राज्य था वो कहाँ तक फैला हुआ था? फिनलैंड भी रशिया में था,
लतविया भी था, लतविया एंड लिथुआनिया, इस्तोनिया, ये यहाँ तक हमारा पूरा रशिया फैला हुआ था, और जो अभी पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस के पार्ट है। और यही नहीं, जो पैसिफिक था, और ये जो रशिया था ये यहीं तक सीमित नहीं था, ये पैसिफिक एंड पैसिफिक, और साथ में जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स है जैसे कि जॉर्जिया हो गया, आर्मेनिया हो गया, अजरबैजान हो गया, ये सारे रशिया में आते थे पहले। तो जो तिशार, जो वहाँ का वो था राजा था, किंग कह लो, जो भी कह लो, बिलीव इन डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स, तो जो उसे विश्वास था कि डिवाइन, यानी कि उसे विश्वास था कि वो राजा के जो अधिकार थे उसमें उसे ज्यादा विश्वास था। दे वर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, दे डू नॉट बिलीव इन पार्लियामेंट्स, कि चल लोगों के हिसाब से चलाओ सर देश को, तो उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। ऑल द पॉलिटिकल पार्टी वर इलीगल इन रशिया, और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी सारी इलीगल थी रशिया में, बिकॉज जो राजा था वहां का तिसार, वो अलाउ नहीं करता था ये सब चीजें। वो चाहता था कि एक बंदा पूरे रशिया को चलाए, एंड दैट इज वाई इट इज कॉल्ड मोनार्की। फाइन, सो दिस इज द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन इन रशिया बिफोर 1905। होप यू अंडरस्टूड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।